आ किवे सुनावा मैं तेनू अपनी कहानी, मैं सूफियां दा राजा नशे च मेरी रानी। आ किवे सुनावा मैं तेनू अपनी कहानी, मैं सूफियां दा राजा नशे च मेरी रानी। ओ भाई, ए भाई, क्या वे व्लॉग शुरू कर, क्या रैप लगा रखा है? शुरू करना अपना तो ठीक है, व्लॉग शुरू करते ना, रैप करने का किसने बोल दिया? ओके ओके, व्लॉग शुरू कर दे भाई। खतरे का निशान जो है ये देखो, टन 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 दिखा रहे हैं आपको कि खतरा है, तो ये बिल्कुल खुला हुआ है, देख सकते हैं हम एकदम खोल देते। और इसके बाद आपको एक नजारा दिखाते, ऊपर से ये कुंडी भी खोलनी है यार। व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं इकबाल मसूद, इस चैनल का होस्ट, और आपका दोस्त लेके आ चुका हूं एक और धमाकेदार व्लॉग। आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही हटके है, बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि आज निकले हम सीधा कहाँ पे भाई? जंगल, जंगल की तरफ। जी हाँ, आज का व्लॉग जो है वो एक हाउस में होने वाला है, एक हाउस, डेंजर हाउस में आपको दिखाऊंगा, हॉरर हाउस। तो वो देखने जा रहे हैं, मैं और मेरा फ्रेंड निकल चुके हैं। अभी टाइम जो है 11 बज चुके हैं। और एक बात बता दूँ, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे जो बेल आइकन का आपको आइकन दिख रहा है उस पर एकदम क्लिक करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो गाइस निकले हैं आगे, आप थोड़ा सा व्यूअर्स को दिखा दें, यहाँ से थोड़ा बहुत दिखा दें कि कैसा माहौल है यहाँ का, सुबह सुबह कैसा दिख रहा है ये माहौल। जो नीचे भी आप दिखा सकते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ से आप नीचे भी दिखा सकते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप नोटिस कर रहे हैं मैंने टोपी और जैकेट क्यों पहना, तो कश्मीर में आ चुका है नवंबर, और नवंबर यानी कि विंटर आ चुका है, और विंटर में ये पहनना ज़रूरी है। जी हाँ गाइस, तो इसलिए मैंने ये पहन लिया अपना एक अपर और ये गर्म कपड़े और टोपी। जी हाँ गाइस, तो निकले हैं हम सीधा हॉरर हाउस की तरफ, चलिए दिखाते हैं इनको हॉरर हाउस। थोड़ा सा आप कैमरा जूम करके दिखा दीजिए नीचे का माहौल। जो अभी जो है क्राउड बहुत ज्यादा है और मौसम काफी खराब है, तो हम निकल चुके हैं सीधा हॉरर हाउस की तरफ, देखते हैं उसमें क्या है ऐसा जो कि वो डरावना मकान उसे पुकारा जाते हैं, लोग यही कहते हैं कि ये डरावना मकान है। हाँ भाई, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद गाइस मुझे ये बकरियाँ दिखी बहुत सारी, मैंने सोचा क्यों ना इनका शूट भी लिया जाए। तो वहाँ नीचे से लेके यहाँ तक जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ तक हम आ चुके हैं, ये एरिया हमने क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने सोचा क्यों ना अपना कैमरा फिर से ऑन कर लें, और ऑन करने के बाद यहाँ से दो रास्ते हमें मिलते हैं, एक यहाँ से सीधा ऊपर जाने का, और ये जो है एक यहाँ से जाने का इस रोड से। तो मैं इसी रोड को चूज़ करूँगा और मैं इसी रास्ते से आगे निकलूँगा। मुझे जो लगता है क्योंकि ये जो व्लॉग बन रहा है इसका पार्ट तो सेकंड बनेगा, क्योंकि ये जो है व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, और इसके पार्ट मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर मुझे एक व्लॉग भी शूट हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आने के बाद अब ये बोल रहा हूँ कि कम से कम दो व्लॉग यहाँ से शूट होंगे, जिनका एक पार्ट वन होगा, एक पार्ट सेकंड होगा। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे यहाँ का नज़ारा अलग ही लगा, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे पहुँचने के बाद। तो आप देख सकते हैं इसी रोड से आगे जाते हैं, हमें देखते हैं क्या ब्यूटी मिलती है, क्या खासियत है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं साइड का माहौल, जहाँ तक साइड बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है इस वजह से, क्योंकि आसमान में जो है धुंध ही धुंध है, बिल्कुल भी क्लियर हमारा जो गाँव है बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है। तो चलते चलते हम पहुंच चुके एक और खूबसूरत सी जगह, मैं आपको बता दूं ये जगह कौन सी है, मेरे साथ साथ आप आइए तो मैं आपको ये जगह दिखाऊंगा। अभी जो हमें पहुंचना है हॉरर हाउस में, लेकिन वो जो पहुंचना है वो थोड़ी लेट पहुँचेगी, उससे पहले थोड़ा इन्जॉय करते हैं। मैं आपको एक बस्ती दिखाता हूँ, आप मेरे साथ आ जाइए कैमरा मैन। तो एक बार व्यूअर्स को ये व्यू दिखाओ, कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का, ये देखो कितनी खूबसूरत ब्यूटी है यहाँ पे, और यहाँ पे हाउस है, एक बस्ती है, यूनिक सी बस्ती है। और किसी हद तक मैं ये कहूँगा कि कश्मीर की ब्यूटी जो है किसी से कम नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये अलग सी बस्ती है। लेकिन
जहाँ तक हमारी रोड का ख्याल है वो बिल्कुल किया नहीं गया है। आप देख सकते हैं रोड जो है हमारी, मैं अपने व्लॉग्स में हमेशा ये दिखाता रहता हूँ कि हमारी कंडीशन कैसी है, हमारे जो है सरबरा कैसे हैं, वो भी मैं दिखाता रहता हूँ। और ये भी दिखाता हूँ कि कितनी ब्यूटी के दरमियान ये रोड बिल्कुल ख़राब, तो फिर भी ब्यूटी है कश्मीर की। तो मैं तो यही कहूँगा हम जल्दी से हॉरर हाउस में पहुँचते हैं, और हॉरर हाउस में पहुँचने के बाद हम देखते हैं हमें वहाँ क्या देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमें हॉरर हाउस में जाना है, तो निकल चुके हैं हम सीधा हॉरर हाउस में। और मैंने जो है अपना जैकेट चेंज कर लिया इस वजह से क्योंकि ठंडी जो है और ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ मैं और कम से कम 2 घंटे हो चुके हैं मुझे चलते चलते, तो यहाँ पे जो है ठंड अभी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने जैकेट अपनी चेंज कर ली है। तो चलिए निकलते हैं सीधा हॉरर हाउस की तरफ, देखते हैं आज ही के व्लॉग में आप देखोगे हॉरर हाउस या कल के व्लॉग में देखोगे वो आपको बाद में पता चलेगा। तो अभी निकलते हैं सीधा इस रास्ते से, आप एक बार दिखा दीजिए ये रास्ता। तो इस रास्ते से अभी हम रास्ते से निकल गए हैं, बिल्कुल सर्दी की वजह से बिल्कुल मेरे जो है ज़बान कपकपा रही है और कुछ भी बोला नहीं जा पा रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी सर्दी है इस वक्त। ये नज़ारे एक बार देखिए आपको, ये नज़ारे देखिए, कहते ही जहर है जहर। और ये रोड हमारी अभी जो ये रास्ता है वो हमने बिल्कुल कैंसिल कर दी और हम इस रास्ते से आए हैं इस ब्यूटीफुल सी जगह पे। हाँ वाव, इस रास्ते से आए हमें अभी टॉप पे, देखते हैं क्या मज़े हैं टॉप पे, जल्दी से पहुंचते हैं इसके टॉप पे, वहाँ पे इसका टॉप है। तो हाउस तक पहुंचने का व्लॉग जो है वो कल आने वाला है, आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, इसका दूसरा पार्ट बनेगा वो जो कल आएगा, कल हम हर हाउस में जाएंगे। तो अभी का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो अच्छा लगा लाइक करो शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जो कि कल ही आएगा। तो मैं एक बार फिर से ये रिपीट करूँगा कि प्लीज़ कल वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा, उसके बगैर ये व्लॉग बिल्कुल अधूरा है। तो कल वाले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल।